हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे जेनेटिक्स से, क्योंकि जेनेटिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रह जाता है। इसका रीज़न है, इसे आप थोड़ा सा आसान भाषा से अगर समझने का ट्राई करें तो, जैसे कि मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ पंजाबी में, तो हो सकता है एक दो के आप आंसर कर दें, बट हर क्वेश्चन के आंसर में आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ जो पंजाबी के वर्ड्स हैं उनका मतलब नहीं पता, तो आप उतना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाएंगे। सेम फॉलो होता है आपका जेनेटिक्स पर। जेनेटिक्स के आंसर आप लोग कर लेते हैं पूरी यूनिट जैसे तैसे पढ़कर, एंड में जब आप लोग क्वेश्चन करने आते हैं तो उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते उसके आंसर्स करने में। उसका भी रीज़न सेम यही है कि आपको कुछ जेनेटिक टर्म्स के मतलब नहीं पता हैं, जिसकी वजह से आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या फिर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, जिससे कि हमारी पूरी यूनिट हम लोग ईजिली कम्प्लीट कर पाएँ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक टर्म्स से, चलिए स्टार्ट कर। हाँ जी, तो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखा जाए तो 24 मार्क्स आपके नीट में ये कैरी करती है ऑन एन एवरेज, सेम आपका बोर्ड्स पर फॉलो होता है। तो तीन चैप्टर्स ये कैरी कर रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, चैप्टर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर 3 इवोल्यूशन। जेनेटिक्स हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो जेनेटिक्स देखते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम लोग ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे जेनेटिक्स के वो डिस्कवर किए थे। इनसे पहले जो जेनेटिक्स थी लाइक ऐसे थी जैसे कि कोई घर में बेबी होता है तो कहते हैं ना ये मम्मी पे गया है या पापा पे लड़ाइयाँ चल रही होती है। तो जैसा उस टाइम पर जो सिनेरियो होता है, हम लोग ने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी होती तो उससे पहले का जो हमारा माइंडसेट होता है एग्जैक्टली वैसे मेंडल से पहले था। मेंडल के आने के बाद हमें पता चला कि हाँ कुछ क्या क्या प्रोसेस है जेनेटिक्स की। ऐसा नहीं है कि वो बेबी मम्मी पर गया है या पापा पर, दोनों के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, दोनों के कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है, सॉरी, तो दोनों के कैरेक्टर्स उस बेबी में आ रहे हैं। ये बात जैसे हमें समझ में आ जाती है जेनेटिक्स पढ़ने के बाद में, मेंडल के आने के बाद जेनेटिक्स समझ में आने लगी, क्योंकि मेंडल ने ही डिस्कवर किए थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। बट जो टर्म जेनेटिक्स था ये मेंडल ने नहीं दिया था, ये एक अंकल जी थे, बेटसन अंकल जी, इन्होंने दिया था 1905 में, मतलब मेंडल के जाने के काफ़ी टाइम बाद। अगर हम लोग जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन में ही उलझ रह जाते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस का वेरिएशंस का मतलब ही नहीं पता होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। तो वही आज हम लोग जेनेटिक टर्म्स देखेंगे, तो जल्दी से देखते हैं जेनेटिक टर्म्स। इनहेरिटेंस है, वेरिएशन है और यहाँ पर हेरिडिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स क्या है? जो प्रोजेनीज हैं, जैसे कि मम्मी पापा के हम बच्चे हैं तो हम उनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं। ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जैसे कि एक लड़की है, मान लीजिए नाम है इसका मोना। मोना के जो हेयर कलर है ये ब्राउन है, सेम इसकी जो मम्मी का हेयर कलर था ये भी ब्राउन था। तो ब्राउन हेयर कलर इसकी मम्मा से मोना को मिला, ये है हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हो गया हेरिडिटी। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सेम द फीचर बाय विच कैरेक्टर्स पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। अब इसकी स्टडी जो है ना, यही हमारी जेनेटिक्स है। सेम वेरिएशंस आप लोग अगर नॉर्मली हिंदी भाषा में या अपने इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस होना। अब आप अगर खुद को नोटिस करें तो आप ना एग्जैक्टली अपने मम्मी जैसे हैं, ना एग्जैक्टली अपने पापा जैसे हैं, कुछ कुछ आप में चेंजेस हैं, इन्हें ही हम वेरिएशंस कहते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हैं आप। द कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, देयर आर सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। जो डिफरेंसेस हैं वही हम वेरिएशंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और वेरिएशंस का मतलब आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पॉज कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तो आप फिर उसे दोबारा नोट डाउन करने नहीं वाले, तो पॉज करके एक बार से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं यूनिट फैक्टर या फिर जीन की तरफ।
जीन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन. सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन. ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में भी, और अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपके जो 18 PYQ आते हैं उसमें ये आ सकता है. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन, ये आपको याद रखना है. है क्या एक्चुअली, आपको ये पता है कि आपका DNA है, आपकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है ये DNA है. आपकी बॉडी में DNA है, जेनेटिक मटेरियल. जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा ऑफिस है, मतलब हमारी बॉडी का जो है या हमारी सेल का जो है ऑफिस है. तो जो हेड ऑफिस है वहाँ पर DNA है मेनली, जो कि कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को. इस DNA का एक स्पेसिफिक पीस अगर हम पकड़ लें, एक स्पेसिफिक पीस जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहा है कोई काम करने का, जैसे कि हेयर कलर को ब्राउन करने का या ब्लैक करने का, तो ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ DNA है इसे हम जीन कहते हैं. तो अ पीस ऑफ DNA दैट कैरीज इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन. स्पेसिफिक होता है ये आपको याद रखना है. अगेन जो जीन टर्म था मेंडल ने नहीं दिया था, जीन टर्म जोहेंसन ने दिया था. मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो जीन टर्म ना देखकर इन्हीं जीन्स को यूनिट फैक्टर कहते थे. फिर दूसरा टर्म आता है अलील या अलीलोमॉर्फ्स. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन्स और अलील्स में डिफरेंस क्या है. देखिए, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. सिंपली देखिए, आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. क्रोमोसोम नंबर अगर हम 1 की बात करें तो इस क्रोमोसोम का एक भाई है इसके जैसा सेम, क्रोमोसोम नंबर 1, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पेयर है. हमारे पास दो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1. इन्हें हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ये आप लोग ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. अब इसका ये जो ये वाली जो पोजीशन है जहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, सेम उसी कैरेक्टर के लिए एक और जीन है. जैसे कि हेयर कलर का अगर मैंने बोला कि यहाँ पर हेयर कलर का प्रोटीन बनाने का जीन है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर हेयर कलर का प्रोटीन बनाने का जो है वो जीन है. तो ये जो जीन है आपस में भाई बंधु, इनके रिलेशन को हम अलील कहते हैं. जीन के पेयर को हम अलील नहीं कहते. आपका क्वेश्चन आया हुआ है द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ और वेराइटीज ऑफ जीन इन अ पर्टिकुलर जीन पेयर दैट ऑक्यूपाई सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड अलील या अलीलोमॉर्फ. तो आपको ये ध्यान रखना है जो अलील्स हैं, भाई बंधु वाले जो होमोलोगस क्रोमोजोम हैं, उन पर प्रेजेंट सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं. ये हो गए आपके अलील. NCERT की लाइन और जो आप पर क्वेश्चन आता है मेनली जिस लाइन से, वो है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. ये आपकी जो लाइन है ना, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये आप लाइन याद रखिएगा. जो अलील या फिर अलीलोमॉर्फ टर्म है ये हमें वेटसन ने दिया था, आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट आता है टर्म कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम जाने तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि मेरी हाइट, ये हो गया मेरा कैरेक्टर. मेरी हाइट क्या है, मेरा मेरा बॉडी का कलर क्या है, फेयर है या फिर डार्क, ऐसे करके. तो बॉडी का कलर क्या है, हाइट क्या है, ये सब कुछ हो गए कैरेक्टर. तो हाइट, कलर, ये हो गए कैरेक्टर. बट वहीं अगर हम लोग ट्रेट की बात करें तो ट्रेट को जो हमारा कैरेक्टर है अगर वो इनहेरिटेड हो रहा है, मतलब एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसे हम ट्रेट कहते हैं. इसके अलावा इसका एक फीचर है जो कि नॉर्मली इनहेरिटेड हो सकता है और इसका डिटेक्टेबल वेरिएंट भी होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हाइट है, तो हाइट के दो वेरिएंट हो सकते हैं, या तो हाइट में कोई ड्वार्फ हो सकता है या तो कोई टॉल हो सकता है, मतलब कोई लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है. ये हो गए दो ट्रेट किसके, एक कैरेक्टर के. तो ये हो गया आपका ट्रेट. कैरेक्टर और ट्रेट में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए. सेम आपको यहाँ गिवन है, टॉल एंड ड्वार्फ आर ट्रेट ऑफ कैरेक्टर, दैट इज हाइट. अब जीन लोकस की बात करें, जैसे कि हेयर कलर को बनाना था, तो हेयर कलर का जो प्रोटीन था उसे बनाने के लिए हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ हम गए
और हमने कहा हमें हेयर कलर का प्रोटीन बनाने का वो चाहिए, सीक्वेंस चाहिए या फिर हमें उसकी परमिशन चाहिए। तो हेड ऑफिस जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें आने के बाद हम बोलेंगे कि इसे ढूंढेंगे कि कहाँ है हेयर कलर बनाने का प्रोटीन। तो मान लीजिए जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं ना और पूछते हैं कि इस ये वाला हमारा काम कहाँ पर होगा, वो कहते हैं काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 3 पर होगा, 4 पर होगा। सेम इस पर जो हेयर कलर का जो जीन है उसकी जो लोकेशन है स्पेसिफिक, इसे हम कहते हैं जीन लोकस। ये हो गया हमारा जीन लोकस, अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, वही हो गया जीन लोकस। ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। होमोजाइगस, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो ट्रेट हैं, जैसे कि हाइट है, इसे कंट्रोल करने के लिए दो ट्रेट हैं, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। तो मेरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके दोनों क्रोमोसोम पर अगर टॉल करने का जीन प्रेजेंट है, मतलब दोनों पर टॉल करने का जीन प्रेजेंट है या फिर दोनों पे ड्वार्फ करने का जीन प्रेजेंट है, तो ये हो गया सेम सेम जीन प्रेजेंट है, मतलब होमोजाइगस हो गया। बट वही जो मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर एक पर टॉल करने का जीन प्रेजेंट है और एक पर ड्वार्फ करने का जीन प्रेजेंट है, तो डिफरेंट हो गया, तो इसे मैं कहूंगी हेटरोजाइगस है। तो ये हो गया हेटरोजाइगस। लैंग्वेज देख लेते हैं। व्हेन अ जीन पेयर और अलील इन एन ऑर्गेनिज्म कंटेन टू आइडेंटिकल जीन्स कंट्रोलिंग सिमिलर ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, देन द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। सेम फॉर दिस, लिटिल बिट डिफरेंट फॉर दिस, कंटेन टू डिफरेंट जीन कंट्रोलिंग द ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेटरोजाइगस हो गया। मतलब यहाँ पर टू डिफरेंट हो गए, यहाँ पर टू आइडेंटिकल हो गए, ये ध्यान रखेंगे आप। डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ जो अलील्स हैं, कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉल एंड ड्वार्फ के ट्रेट हैं, है ना, एक हाइट जो कैरेक्टर है उसके दो ट्रेट हैं टॉल एंड ड्वार्फ। इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं, मान लीजिए टॉल के लिए हमने लिया कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए लिया हमने स्मॉल टी, कुछ कुछ जो ट्रेट है ना इनका क्या होता है कि ये डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर टॉल का एक भी जीन प्रेजेंट है तो हाइट टॉल ही होगी, दोनों हैं अगर दोनों टॉल टॉल हैं तो टॉल होगी, अगर एक टॉल है तो भी टॉल होगी, दोनों अगर हमारे ड्वार्फ होंगे तभी जाके ड्वार्फ होगी। तो कुछ कैरेक्टर्स या जो कुछ एलील्स है वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। तो डोमिनेंट जो है वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देगा, तो अगर वो एक दोनों प्रेजेंट है होमोजाइगस में है तो भी एक्सप्रेस होंगे, और अगर वो हेटरोजाइगस में है तो भी इस बेचारे को दबा के रखेंगे अपने आगे और इसकी चलेगी। बट अगर वहीं रिसेसिव एलील की बात करें तो बेचारा अगर इसके साथ में प्रेजेंट है तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, इसकी चलेगी नहीं। जैसे कि घर में अगर कोई बड़ा होता है तो छोटों की नहीं चलती, एग्जैक्टली रिसेसिव की नहीं चलेगी, डोमिनेंट ही अपनी चलाएगा इसके ऊपर। इसकी चल सकती है तब जब ये घर में अकेला हो, दोनों स्मॉल टी हो, तो ये जो रिसेसिव है ये हमेशा तभी एक्सप्रेस होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, और जो डोमिनेंट है वो तभी एक्सप्रेस होता है जब वो चाहे होमोजाइगस में हो चाहे वो हेटरोजाइगस में हो। ये दोनों आपके पॉइंट्स हो गए। अब आपके कुछ पॉइंट्स हैं फीनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये क्या होते हैं। फीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जो फिजिकल अपीयरेंस है मेरी, जैसे कि मेरा हेयर कलर हो गया, मेरा बॉडी कलर हो गया, मेरी हाइट हो गई, मैं कैसी दिखती हूँ फिजिकली, ये हो गई मेरी फिजिकल अपीयरेंस, इसे मैं कहूँगी फीनोटाइप। बट अगर मेरे डीएनए को निकाल के कोई पढ़े और उसमें से पूरा जेनेटिक मेकअप नोट डाउन करे तो जो जेनेटिक मेकअप मेरा है वो हो गया मेरा जीनोटाइप। तो फीनोटाइप हो गया फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप हो गया कंप्लीट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके, ये एक गैमीट। गैमीट क्या है, ये तो सिंपल सा है, एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल है जिसके फ्यूजन से हमारा, जो कि रेडी है फ्यूजन के लिए, स्पेशलाइज्ड है फ्यूजन के लिए, जिसके फ्यूजन से हमारा क्या बनने वाला है आगे जाकर, गैमीट, जायगोट।
नेक्स्ट टर्म आता है हाइब्रिड, क्या होता है ये आपको मोस्टली पता ही होगा, नहीं पता है मैंने बस जनरली कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे यूज हो सकते हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर हम इसका मतलब देखें, सिंपल भाषा में मतलब देखें, तो इसका मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दो डिफरेंट चीज़ों को हमने मिक्स करके बना लिया तो हाइब्रिड हो गया। सेम ऐसे ही दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के पेरेंट्स का के गैमेट्स का हम फ्यूजन करा के कोई एक नया इंडिविजुअल बनाए, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। वी डिफाइंड इट एज एन ऑफस्प्रिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। नेक्स्ट आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, ये आपको टर्म बहुत यूज होगा आगे चलकर, जो कि सिंपली रिप्रेजेंट करता है एक पेरेंट, मान लीजिए ये थे हमारे मेल पेरेंट PM मेल पेरेंट और ये P फीमेल पेरेंट, इनके मेटिंग के बाद में एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई F1। ऑफस्प्रिंग क्या, इनके जो जितने भी 4-5 बच्चे हैं, ये जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई ये हो गई F1, जो हमारी सबसे पहले बनी फैमिली वन। अगर हम देखें तो क्या बनी, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, फैमिली वन नहीं बोलते फर्स्ट फिलाइल बोलते हैं, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। जब F1 का ही F1 से हमने क्रॉस करवाया तो बनेगी हमारी F2 फैमिली टू जनरेशन। तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप से हमने एक ऑफस्प्रिंग बनाई, F1 हुई, इसी F1 का जब हमने सेल्फिंग करवाया मतलब सेम फैमिली में मेटिंग करवाई तो क्या बनी, F2 जनरेशन। तो ये हो गई F1 जनरेशन एंड ये F2 जनरेशन, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग देखेंगे आगे जाकर। नेक्स्ट आता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे, R.C. पुनेट नाम था इनका। इन्होंने 1927 में ये पुनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया। हमें ना प्रॉब्लम होती थी जेनेटिक मेकअप को कैलकुलेट करने में, सम अप करने में प्रॉब्लम होती थी, तो इन्होंने एक ऐसा स्क्वायर बनाया। हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप लोग आगे जाके अपने स्क्वायर्स देखेंगे, आप लोग ने क्लास 10th में भी देखे होंगे, इस टाइप के स्क्वायर्स में हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे कि हमें स्टडी करना और कैलकुलेट करना, रेशो निकालना बहुत ईजी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप का, सेम फीनोटाइप का भी। तो यूज टू डिटरमाइन वेरियस जीनोटाइप एंड फीनोटाइप रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल गैमीट, जितने भी पॉसिबल गैमीट हैं उनका कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, इस टाइप के स्क्वायर्स में हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस ये जो स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें जो स्क्वायर है इसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, और कॉन्सेप्ट दिया था R.C. पुनेट ने, ये आपको याद रखना है। इतने आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना। इसके अलावा कुछ क्रॉसेस हैं, क्रॉस हैं जो कि हम लोग क्रॉस क्या है, मेनली मेटिंग है। क्रॉस आपको दिए हुए हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ये सब हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग मेंडल के मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे। गैमेट्स बनाना, क्रॉस करना, ये सब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले हम लोग मेंडल के बारे में जानेंगे और फिर उनके क्रॉस करते जाएंगे और उनके प्रिंसिपल्स देख के पूरा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि ये टर्म्स आपको बाद में जाके कंफ्यूज बहुत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, सब कुछ अगर क्लियर हो गया हो तो भी कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।